नवरात्र में इन बातों का रखे ध्यान, देवी माँ का मिलेगा आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। नवरात्र सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र पूरी तरह से माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, साल में 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, जो कि शरद नवरात्र, चैत्र नवरात्र, माघ नवरात्र और आषाढ़ के गुप्त नवरात्र हैं। इस साल 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के दौरान साधकों को सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इसके बाद नवरात्र में शराब, तंबाकू और मांसाहार के जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं उपवास के दौरान नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान कुट्टू, सिंघाड़ा, दूध, साबुदाना, आलू और फलों का सेवन किया जा सकता है। आपको बता दें, नवरात्रों के दौरान सरसों के तेल और तिल के सेवन से बचना चाहिए। वहीं आप मूंगफली का तेल और घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ नमक के दैनिक प्रयोग से बचना चाहिए। इसकी जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं उपवास के दिनों में सोने से भी बचना चाहिए। ऐसे मान्यता है कि सोने से व्यक्ति का भगवान के साथ जो संबंध होता है, कनेक्शन होता है, वह टूट जाता है। वहीं पूजा के दौरान साफ और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। साथ ही काले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमारियों से पीड़ित लोगों को उपवास नहीं रखना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही उपवास रखें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा कीजिए। साथ ही कन्याओं का अपमान भूलकर भी ना करें। देखिए, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र हैं, जिनका उच्चारण करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसी के साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप करके आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।